जो पूरे देश में चुनाव जिताने वाला है वही चुनाव पीछे चल रहा था। मोदी को तो कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए था। मुकाबलाबाजी खत्म हो गया है, इसी बात में है। 400 का, हाँ 400 लग रहा था कि जमींदारी है। सत्ता दौलत किसी को बाप को बदलती है तो सोचते हैं कि हमारे पापा कहाँ हो गए एकदम पूरा दुनिया। मतलब बीजेपी तो नहीं कहा जा सकता है न, मोदी बहुत तेजी से कमजोर हुए है इस इलेक्शन में। मोदी है तो नमकीन है, ये कोई बात हुआ? मोदी नहीं रहेंगे देश नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे हमारे घर परिवार नहीं चलेगा, ये कोई बात हुआ? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए आज हम पटना में मौजूद है। आज पटना के अलग अलग जगहों से आज जाकर हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आज जो चुनाव के नतीजे आने हैं उस पे जनता की क्या राय है। तो चलिए आज हम पटना के अलग अलग जगहों में जाएंगे और वहां से लोगों की राय दिखाएंगे। ये जो चुनाव जो हो रहा है इसमें मैं जनता ही ने चुनाव लड़ा है, इसलिए जनता की ही जीत होगी इस चुनाव में। क्या नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार बनेगी? देखिए अभी तक के रुझानों से साफ पता चल रहा है कि किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। एनडीए या यूपीए अभी पूरे फुल बहुमत में एनडीए नहीं आ पा रहे हैं इतने। इस मोदी जो है बहुत तेजी से, मतलब बीजेपी तो नहीं कहा जा सकता है ना, मोदी बहुत तेजी से कमजोर हुए हैं इस इलेक्शन में। अच्छा, 400 पार जो कह रहे थे वो हवा हवाई निकला ना? हाँ। हवा हवाई निकला, उनका मुद्दा तो नहीं ना था। मुद्दा 400 पार करके सेंटीमेंट भड़का करके सिर्फ काम करना था ना, उनका मंदिर चला ना रोज ना उनका जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और मुसलमान चला, वो सिर्फ जनता अपने मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है और ये जनता को टोटल जनता को श्रेय जाता है इसका। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार अम्बस्था है। जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं क्या लग रहा है, उस पर क्या राय है? जैसा उम्मीद था उसके मुताबिक तो नतीजे नहीं आए हैं। अब देखिए कैसा सरकार बनता है ये कहना भी मुश्किल हो गया है। जी जी, आप अच्छा मोदी जी जैसा कहा करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, हर साल जो करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, चुनावी जो वादे करते हैं उसको लेकर क्या है? देखिए वादे के हिसाब से तो लोग अपना काम कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तो और आगे काम करना है, बेहतरी और बेहतरी हो इसके लिए और आगे काम करने की इच्छा थी उनकी, यही है। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि सरकार में अभी कौन आएंगे और किसको आम जनता किसको देखना चाह रही है? अभी तो जो मैंडेट पूरा नहीं के बराबर ही लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि फिर मोदी जी का ही सरकार बनेगा और फिर आगे बेहतर काम होगा। नहीं, चुनाव के नतीजे का आज भी हम अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर में मोदी सरकार बिल्कुल तरह से फेल हो चुकी है और इन्होंने जो अमित शाह का जो मंत्र था 400 पार का, वो मंत्र तो बिल्कुल समझ लिए ख़त्म ही हो गया, उखड़ गया। वो 400 पार का कोई भी ये नहीं चला और वो बीजेपी अब जो है जो खुद 303 सीट थी वो 235 पर जो है से आके अटक गई है। नहीं, 400 पार का तो वो खोखला नारा हो गया, अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे इस पर हम लोगों को शक लग रहा है, इसलिए कि मोदी जी बिल्कुल फेल हो गए। अरे मोदी जी बनारस में 1 घंटा पीछे चले, अजय राय आगे चला, वहीं पर मोदी जी का हार हो गया। अमित शाह 4 लाख वोट से जीतता है और मोदी जी 14,000 वोट से उस वक्त आगे रहते हैं। ये तो शर्मनाक बात है ना कि जो पूरे देश में चुनाव जिताने वाला है वही चुनाव पीछे चल रहा था। जीत गए मोदी जी वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो पीछे क्यों चले? मोदी को तो कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए था। अजय राय आगे हुआ, पीछे हुआ, आगे हुआ, पीछे हुआ, इसलिए मोदी जी फेल हो गए। सरकार तो खैर एनडीए का बन गया है, बनने वाला है, बट जी बट पहले जैसा रुझान इस बार नहीं आया। नहीं, पहले जिस टाइप का लहर था मोदी का उस टाइप का इस बार नहीं आया लहर। 400 पार जो कह रहे थे मोदी, नहीं नहीं, वो जुमलेबाजी था। जुमलेबाजी जी। क्या नाम हुआ चाचा? हाँ, संदेश कुमार। अच्छा, जो अभी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो हम लोग को उम्मीद है कि इंडियन का बनेगा, इंडिया का बनेगा। बीजेपी की बन जाएगी लग रहा है? बीजेपी की नहीं बनेगा, ना बनेगी ना, अभी बीजेपी कैसे बनेगा? अभी बहुत बाकी है, खेल बाकी है, अभी खेल बाकी है। बहुत बाकी है। इनका जुमलाबाजी खत्म हो गया है, इसी बात में है। 400 का, हाँ 400 लग रहा था कि जमींदारी है। सत्ता दौलत किसी को बाप को बदलती है तो सोचते हैं कि हमारे पापा कहाँ हो गए एकदम पूरा दुनिया।
ऐसी बात नहीं, यही है, कहता कि मोदी है तो नमकीन है, ये कोई बात हुआ? मोदी नहीं रहेंगे देश नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे हमारे घर परिवार नहीं चलेगा, ये कोई बात हुआ? बहुत आम जनता बेरोजगारी हो गया, महंगाई भ्रष्टाचार बहुत हुआ गया, नौजवानों का नौकरी छीना गया, कोई भी नौकरी नहीं मिला। मेरे बेटा 400 को BSc किए हुए बेचारा, कोई के नौकरी नहीं है बेचारा, जाके राजापुर में फूल बेच रहा है बेचारा BSc करके, का किया जाए? कोई नौजवान इनका है तो घुसपैठी चल रहा है, इंटरव्यू दीजिए और क्वेश्चन और बीस गुरु ना है, वो गलत बात है, वो बीस गुरु आदमी है, बीस गुरु हो भाई आदमी होता है, बीस गुरु चलती के नाम गाड़ी, अभी चल रहे थे काम खत्म, बीस गुरु सब खत्म हो गया है उनका। मेरा नाम हुआ मोहम्मद अनवर। अच्छा, अभी जो ओपिनियन पोल आ रहा है, चुनाव का जो नतीजे आने वाले, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, पोल आने के बाद ही है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी आपके हिसाब से, किसकी सरकार होनी चाहिए? अब जिसकी भी सरकार आए तो उसके बाद ही नहीं होगा, हम कैसे बता दें कि कांग्रेस की आएगी BJP की आएगी, अभी तो चल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप किसको सरकार देखना चाहते हैं, किसका सरकार? जो भी अच्छा सरकार हो सबके लिए काम करें, सबके लिए काम करें, अच्छे से काम करें। हम अभी पटना जंक्शन के पास मौजूद थे और हम आपको पटना के अलग अलग जगहों से लोगों की राय दिखा रहे थे कि इस बार चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उस पे लोगों का क्या कहना था। हम आपको पटना आलमगंज के इलाके का, आपको कार्यालय जहां है BJP उस इलाके का रिपोर्ट दिखाए, पटना जंक्शन पे अभी थे, वहां के रिपोर्ट्स दिखाए, उस पे पूरी जनता क्या कह रही थी आपने सुना। बाकी पूरे वीडियो में क्या आपकी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।